dear students at platform of learning youtube channel this video explains solution of worksheet number 1 of english class 9th if you have not subscribed this channel so far please subscribe it let us start discussing worksheet number 1 look at the given below poster and answer the questions that follow यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया गया है देखिए पोस्टर एग्ज़ाम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एक एग्ज़ाम में पोस्टर आता है तो यहाँ पर बच्चों आपको एक पोस्टर दिया गया है आपको उसे स्टडी करना है उसे रीड करना है और उसके बेस पर जो नीचे क्वेश्चन हैं हमें उनके आंसर करने हैं चलो देखते हैं पोस्टर क्या है देखिए सबसे पहले मिड में इस पोस्टर में एक इमेज बनी हुई है जो कि हर्ट की इमेज है हर्ट के अंदर स्माइली फेस बना हुआ है दैट मीन्स कि हम अपने आप को अपने हर्ट को मतलब अपने आप को हम खुश कैसे रख सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं इन्होंने देखिए वो क्या है जैसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर लव एंड बी काइंड टू योर मतलब है कि अपने आप से प्यार करो अपने आप के लिए काइंड रहो आपको जैसे बच्चों पता ही है अगर हम खुद खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को हैप्पी भी नहीं रख सकते अगर हम खुद से ठीक नहीं हैं तो हम दूसरों का काम भी नहीं कर सकते हम ठीक हैं तो हम सबका अपने फैमिली मेंबर्स का अपने फ्रेंड्स का, का सबके साथ ठीक रह सकते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है लव एंड बी काइंड टू योर सेल्फ ट्राई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसा कि आप जानते हैं हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ध्यान लगाना अच्छे से काम करना ये सब इंक्लूड करते हैं हम इसमें रीड बुक्स प्रेफरेबली पिक्चर बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और प्रेफरेंस जो है वो पिक्चर्स बुक को देनी चाहिए क्योंकि किसी भी पिक्चर को देखकर हमारे अंदर उस चीज़ की इमेज क्लियर हो जाती है कि हम किस चीज़ के बारे में कैसी बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर आपको ये पोस्टर दिया गया है इस पोस्टर में हर्ट के बीच में स्माइल फेस बना हुआ है दैट मीन्स कि हम अपने आप को किस तरह से हैप्पी रख सकते हैं इसके ऊपर ये पोस्टर डिपेंड करता है तो हमें रीड बुक्स प्रेफरेबली पिक्चर्स बुक ज्यादा से ज्यादा बुक्स को रीड करने की हैबिट बनानी चाहिए हो सके तो पिक्चर बुक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए कीप ए जनरल डायरी राइट और इन इट हमें एक जनरल एक डायरी रखनी चाहिए उसमें अपनी दिन भर की कि आज हमने क्या अच्छा काम किया क्या गलत किया हमारा मूड कैसा रहा हमने दूसरों के साथ किस तरह से बिहेवियर किया इस तरह से हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए हो सके तो डेली लिखनी चाहिए प्ले इंडोर गेम्स इंडोर गेम्स भी हमें खेलते रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ बाहर ही जाएंगे तो ही प्ले कर सकते हैं जी नहीं बहुत सारे इंडोर्स गेम्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम घर में रहकर भी एंजॉय कर सकते हैं शेयर योर फीलिंग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली हमें हैबिट बनानी चाहिए कि हम अपने फीलिंग्स को अपनी थाट्स को अपनी इमेजिनेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकें अगर हम अपनी बात को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं तो उससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हम खुश रह सकते हैं जैसे कोई भी बात है अगर मान लो आप आपको कोई बात परेशान कर रही है आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे तो आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहोगे तो इससे अच्छा है कि हमारे अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि हम अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकें हेल्प अदर्स वेन एवर यू कैन हमें दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए जब भी हम कर सकते हैं अपने आप को दुखी करके दूसरों की हेल्प करने से हमें सुख नहीं मिलता तो दूसरों की हेल्प हमें करती रहना चाहिए यदि हम कर सकते हैं तो तो ये पोस्टर था इसमें अपने आप को हम मतलब किस तरह से खुश रख सकते हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए थे चलिए अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं उन्हें स्टडी करते हैं जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टर टॉक्स अबाउट एन इमोजी स्कूल हर्ट या सेल्फ केयर तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हमें दिए गए थे वो सबके सब किस बारे में बता रहे थे सेल्फ केयर के बारे में कि हम किस तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को खुश कर सकते हैं यह ज़्यादा इमेज के बारे में नहीं बता रहा सिर्फ एक ही इमेज बनी हुई थी इसमें तो दिस पोस्टर डजेंट टॉक अबाउट इमोजी स्कूल के बारे में कोई बात नहीं की गई है यहाँ पर हर्ट के बारे में बात की गई है लेकिन हर्ट से ज्यादा प्रेफरेंस हम यहाँ पर सेल्फ केयर को देंगे कि सेल्फ केयर इज द राइट आंसर नेक्स्ट सेकेंड है माइंडफुल डैश हेल्प से लॉट इन टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ माइंडफुल लिसनिंग माइंडफुल वॉकिंग माइंडफुल ब्रीथिंग या ऑल ऑफ दीज जी हाँ तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज माइंडफुल लिसनिंग वॉकिंग ब्रीथिंग हेल्प से लॉट इन लॉट इन टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ अपने आप का ध्यान रखने के लिए हमें माइंडफुल लिसनिंग माइंडफुल वॉकिंग और माइंडफुल ब्रीथिंग करनी चाहिए इंडोर गेम्स डजेंट इंक्लूड इंडोर गेम्स में कौन सा नहीं आता चेस जैसा कि आप सब जानते हैं इंडोर गेम्स है घर में बैठकर खेलते हैं दो लोग खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स कार्ड्स खेलना ताश खेलना यह भी एक इंडोर गेम है हॉकी जी नहीं दिस इज इंडो दिस इज नॉट अ इंडोर गेम दिस इज आउटडोर गेम इसे हम बाहर खुले मैदान में खेल सकते हैं साइमन सेज साइमन सेज भी एक इंडोर गेम है इसमें हम तीन या चार प्लेयर इंक्लूड कर सकते हैं और वो तीन या चार प्लेयर में से जिसकी टर्न होती है वो उसका नाम मतलब हम साइमन रख देते हैं तो वो बोलता है साइमन सेज लाफिंग तो सारे बच्चे लाफिंग करते हैं साइमन से इज प्लेइंग डांसिंग तो सारे बच्चे डांस करते हैं तो साइमन सेज इज अ इंडोर गेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है हेल्पिंग अदर्स मेक अस फील दूसरों की हेल्प करके हम कैसा फील करते हैं हैप्पी एंग्री कंफ्यूज या बैड हमेशा दूसरों की हेल्प करके हमें हैप्पीनेस की फीलिंग होती है तो हम हैप्पी फील करते हैं ऐसा कभी होता है कि आप दूसरों की हेल्प करें और आपको बुरा लगे या आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार मैंने इसकी हेल्प क्यों कर दी या आप बहुत बुरा फील करते हैं कि नहीं मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी जी नहीं तो दूसरों की हेल्प करके हम हमेशा हैप्पी फील करते हैं वी कैन शेयर फीलिंग्स विद अदर्स बाय टॉकिंग लिसनिंग सिटिंग क्लोज ऑल ऑफ दीज टू देम तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ बातें करके उनकी बातचीत सुनकर उनके साथ बैठकर शेयर कर सकते हैं तो दीज आ तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट सिक्स पॉइंट बी डैश टू योर सेल्फ एंड अदर्स हमें दूसरों के लिए रूड होना चाहिए जी नहीं काइंड होना चाहिए यस एरोगेंट होना चाहिए एरोगेंट मतलब एक तरह से ईगो ego, ईगोइस्ट जिसके अंदर ज़्यादा ईगो होती है या इनडिफरेंट होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए कि अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ और है बाहर वालों के लिए कुछ और है फ्रेंड्स के लिए कुछ और हैं तो नहीं हमें बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स हमें दूसरों के लिए काइंड होना चाहिए सेल्फ केयर लेट्स अस स्टे डैश इन द लॉन्ग रन हेल्दी पॉजिटिव काम या ऑल ऑफ दीज सेल्फ केयर लेट अस स्टे ऑल ऑफ दीज इन द लॉन्ग रन यदि हम अपना ध्यान रखते हैं तो उससे हम हेल्दी भी रहेंगे हमारी सोच भी पॉजिटिव रहेगी हम शांत भी रहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज ए जनरल रेफर्स टू ए नोटबुक और डायरी इन विच यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ थॉट्स फीलिंग्स या ऑल ऑफ दीज एक जनरल एक नोटबुक या एक डायरी वो चीज होती है जिसमें हम अपने बारे में लिख सकते हैं अपने थॉट्स लिख सकते हैं अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज तो यहां पर बच्चों इस पोस्टर को स्टडी करके हमने क्या सीखा कि हम अब किस तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट Still, if you have any doubt or any query, you may ask it through commenting this video. I will surely reply as possible at earliest. Thanks for watching. Have a nice day.